सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दी वॉर गॉड सिस्टम की एपिसोड 86 के साथ हाजिर हूं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रे नेस्ट डेन के बारे में बताया जाता है। अभी यही पहली जगह थी जहां पे सबसे पहले म्यूटेशन स्टार्ट हुई थी, और अभी जो कि यहाँ पे म्यूटेशन स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसका मतलब कि यहाँ पे लाइफ भी एग्जिस्ट करने लग चुकी है। और जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वहां पे साथ में कुछ और सीक्रेट्स होते हैं। और फिर उसके बाद हमें ग्रे नेस्ट डेन का एक लाइफ पूल दिखाया जाता है। ये जो पूल है वो एक्चुअल में एक हिडन जगह है इस पूरे ग्रे नेस्ट डेन के अंदर। और अब यहाँ पे जिन लोगों ने भी ये जो रिवर है उसे ढूंढ लिया था, उन लोगों ने कहा था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर तुम लोग जाओगे तो जो लोग मरने की कंडीशन पे होगी वो लोगों को भी तुम जिंदा कर सकते हो वापस से, क्योंकि इस वाटर के अंदर कुछ अलग से इफेक्ट्स हैं। और फिर उसके बाद हमें ज्यू दिखाया जाता है जो भागते हुए डेंग से कहता है कि क्या तुमने अभी जो कुछ भी कहा था वो सच है, ये जो पुल है वो इतना अमेजिंग है। डेंग उसे कहते है कि हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है, ये सारी बातें मुझे मेरे टीचर ने कही थी। ज्यू से हैरान होते हुए कहता है कि ये बात तुम्हारे टीचर ने बताई, क्या तुम्हारे टीचर वॉर गॉड रैंक के एक्सपर्ट है क्या? अगर वो वॉर गॉड रैंक के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने ये बातें बोली हैं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, और ये रिवर सही में एग्जिस्ट भी करती होगी वहाँ पे। और अगर सही में वो रिवर वहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे हम लोग लियाओ को बचा ही सकते हैं। और फिर तभी डेंग वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ये ज़ियू फैन इतना ज्यादा तेज कैसे है, जबकि इसने तो लियाओ को भी अपने ऊपर लेके चल रहा है, पर फिर भी मैं इसको फॉलो ही नहीं कर पा रही अच्छे से, ये बहुत ज्यादा तेज है। और फिर उसके बाद डेंग ज़ियू से कहते हैं कि और अभी जब हमारी अर्थ के ऊपर जब स्टार फॉल हुआ था उसके बाद से ये सारी म्यूटेशंस फैलने लग चुकी थी, और अभी इस म्यूटेशंस के ऊपर ही मेरे टीचर ने एक मेंशन किया था कि हम लोग आगे चल के बहुत सी ऐसी चीजें देखेगी जो बहुत ज्यादा ह्यूमंस के लिए नहीं हो, इनका मतलब कि मॉन्स्टर्स से। और अभी आप ये जो ग्रेनस डेन का लाइफ पूल है वो एक्चुअल में एक मर्सनरी असासिनेशन इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, और इसके कारण ही हम लोग को वहाँ पे जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। ज़ियू डेंग से कहता है कि ये इतना डिफिकल्ट क्यों होगा, जरा बताओ मुझे ये इतना डिफिकल्ट क्यों है। डेंग उसे कहते कि तुम खुद ही समझ जाओगे जैसे तुम वहां पे पहुंचोगे। और फिर उसके बाद वो लोग अगले सीन पे ग्रेनस डेन के पुल के पास पहुंच चुके होते हैं। वैसे दोस्तों ये एक्चुअल में उसका एंट्रेंस गेट है। और फिर जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंच चुके होते हैं ज़ियू वहां पे आगे चलने लग चुका होता है। डेंग उसे मना करते हुए कहते कि तुम इतना तेज आगे मत जाया करो क्योंकि शायद से आगे कोई खतरा भी हो सकता है। पर फिर तभी वहां पे ज़ियू को एक एनर्जी फील होने लग चुकी होती है, और वो कहता है कि ये कितनी अजीब सी प्रेजेंस फील हो रही मुझे यहाँ पे, शायद से इस जगह के अंदर कोई ऐसे रैंक का मॉन्स्टर है क्या। पर ऐसा तो इस जगह पे हो नहीं सकता क्योंकि इस जगह को पहले कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इस जगह पे बहुत से अच्छी रिसोर्स है, इसे कान से यहाँ पे कोई मॉन्स्टर तो नहीं होना चाहिए। पर अभी यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, कोई ऐसा कोई हंटर होगा जिसका रैंक एक एस रैंक के मॉन्स्टर जितना ही हो, वो शायद इस जगह पे मिल सकता है। और फिर तभी डेंग जरा आगे जाते हुए कहते कि इस जगह के जो गार्डियन है वो मेरी बात सुनिए, मैं एक्चुअल में ये जेन की स्टूडेंट हूँ, और हम लोग हमारी टीम के साथ इस जगह पे हम लोग यहाँ पे वॉर गॉड एग्जाम्स देने के लिए आए थे, और अभी फिलहाल एग्जाम्स के दौरान ही हमारा एक जो कॉम्रेड था वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, जिसके कारण से हम लोग इस जगह पे उसकी जान बचाने के लिए आए हैं। और फिर तभी वहाँ पे जहाँ पे ग्रीन एनर्जी निकल रही थी उस जगह से कोई आवाज आती है, तुम लोग यहाँ पे वॉर गॉड एग्जाम्स के लिए आए हो और ये जेन के स्टूडेंट भी हो, तो तुम लोग अंदर आ सकते हो। और फिर उसके बाद ज़ियू और डेंग वो सभी अंदर जाने लग चुके होते हैं, और ज़ियू वहाँ पे अंदर जाते हुए कहता है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे जो एंट्रेंस था वो एकदम डिसअपीयर होते जा रहे हैं। डेंग उसे कहते हैं कि एक्चुअल में ये जो जगह थी वो पहले सिर्फ एक नॉर्मल सी पुरानी सी केव थी, पर जब स्टार फॉल हुए उसके बाद से ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो चुकी थी। और फिर वो लोग अगले सीन पे इस जगह के जो गार्डियन है उसके पास पहुंच चुके होते हैं। ज़ियू उस गार्डियन को देखते हुए कहता है कि तो यही वो बंदा है जो इस जगह का गार्डियन है, इस बंदे को देखते हुए बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, इसकी आंखें तो देखो कितनी ज्यादा अजीब सी है। पर अभी फिलहाल इसका एटीट्यूड देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में एक वॉर गॉड रियलम का बंदा है। तभी वो गार्डियन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का रैंक एक एडवांस वॉर लॉर्ड की तरह होना चाहिए तो ही तुम इस जगह को पास कर सकते हो, और मुझे चैलेंज करने के लिए तुम लायक भी बन पाओगे। पर अभी फिलहाल तुम लोगों को देख के मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा रैंक बिल्कुल भी नॉर्मल सा ही है, तो तुम मुझे तो नहीं हरा सकते। पर अभी फिलहाल तो भी मैं तुम्हें इस चैलेंज के बारे में जरा बता देता हूँ। अभी ये जो चैलेंज होगा वो एक्चुअल में लाइफ एंड डेथ मैच जैसा ही रहेगा। अगर यहाँ पे तुम लोगों ने जरा से भी गलती कर दी तो तुम मारे जाओगे, और अभी मैं तुम्हें इन सब के ऊपर से एक एडवाइस देता हूँ, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम लोग यहाँ पे मारे जाओगे। डेंग ज़ियू से कह दे कि देखो मुझे एक्चुअली मेरे टीचर ने सिर्फ इतना बताया था कि ये जो पुल है वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आके हमें चैलेंज भी पूरा करना होगा, और मेरी मानो तो ये जगह पे अगर हम लोग चैलेंज पूरी करते हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
सो अब हम लोग वापस से निकल जाते हैं इस जगह से। ज़ियू लियाओ को नीचे रखते हुए कहता है कि देखो अभी हम लोगों ने पहले बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया है और अगर हम लोग वापस से उस रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे तो ये बीच रास्ते में मारा जाएगा। सब इससे कहां से हम लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा और फिर इसके बाद ही इसके बचने के कोई चांस बच सकते हैं। डेंग ज़ियू से कह दे कि तुम इतनी जल्दी मत करो, तुमने क्या अभी यहाँ पे उस गार्डियन की बात नहीं सुनी? ये जो चैलेंज होगा वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ज़ियू गार्डियन से कहता है कि देखो अभी यहाँ पे मेरा जो एक कॉमरेड है वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है जिसे कान से मुझे उसे बचाना है और अब इसी वजह से मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहूंगा और फिलहाल यहाँ पे चिंता मत कीजिए, मुझे अपनी जो लिमिट्स है वो मुझे पता है। अगर ये जो चैलेंज है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो मैं वैसे ही अपनी जो विल है उसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए इस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करता रहूंगा। सब इसे कान से मैं आपका ये जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करता हूँ। वो गार्डियन ज़ियू की बात सुनते हुए कहता है कि तुम अपने जो कॉमरेड्स हैं उनके बारे में चिंता करते हो, भले तुम्हारी जान चली जाए फिर भी। सब इससे कान से तुम इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने वाले हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा जो कॉमरेड जो इंजर्ड हो चुका है वो क्या तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है क्या? ज़ियू से कहता है कि वो मेरा एकदम अच्छा दोस्त तो नहीं है, पर हम लोग साथ में इस एग्जाम को ज्वाइन किए थे और फिर जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तब कुछ ऐसे सिचुएशन हो चुके थे जिससे कान से हम लोग शायद मर भी सकते थे। तो अभी इसे कान से हम लोग एकदम अच्छे कॉम्रेड्स बन चुके हैं, सो मैं इसी वजह से इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। वो गार्डियन ये बात सुनता है और वो कहता है कि तुम क्लोज गार्डियंस बन चुके हो, और वो ऐसा बोलते हुए हंसने लग चुका होता है, पर वो तुरंत ही एक एनर्जी रिलीज करने लग चुका होता है। ज़ियू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर वो गार्डियन ज़ियू से कहता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो क्योंकि तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, तुम फिर भी इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड हो और वो भी तुम्हारी बॉडी की जो फिजिक है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है और अभी फिलहाल तुम्हारे पास एक ए रैंक का मैजेस्टिक वेपन है, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अपने कपड़ों के अंदर क्या छुपा के रखा है? मैंने अभी यहाँ पे डोमेन एक्टिवेट करते हुए तुम्हें पूरा स्टेयर से स्कैन कर लिया, पर फिर भी मुझे यहाँ पे तुम्हारे जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता क्यों नहीं चल रहा है? तुम मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो। और फिर उसके बाद वो गार्डियन उसकी जो एनर्जी होती है वो उसे रिलीज करना बंद कर देता है, जैसे कहां से ज़ियू को लगता है कि ये यहाँ पे क्या हो गया था, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं कोई दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर चुका हूँ, क्या यहाँ पे मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ या फिर यहाँ पे ये जो गार्डियन है उसने मेरे सामने कोई इल्यूजन क्रिएट किया हो। तो वो गार्डियन ज़ियू से कहता है कि अभी इस जगह पे नौ रास्ते हैं जहाँ से ये जो रास्ते हैं वो डिफिकल्टीज लेवल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर तुमने इनमें से कोई भी एक चूज कर लिया सो अब वो तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर तुमने कोई एकदम हाईएस्ट रैंक का कोई दो सिलेक्ट कर लिया तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और तब इसी गार्डन के पीछे जो डोर था उसे सिलेक्ट कर लेता है और फिर उसके बाद वो उसी डोर के अंदर जाने लग चुका होता है। वो गार्डियन ज़ियू से कहता है कि तुम सेफली वापस आ जाना, और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये ज़ियू फैन की एबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है और उसके स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर मुझे अभी ज्यादा चिंता है कि ये बंदा इस चैलेंज को पास नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी इस बंदे ने जिस डोर को सिलेक्ट किया है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट पे है। और फिर उसके बाद हमें अगले सीन पे ज़ियू दिखाया जाता है जो अपने सामने इतनी सारी स्ट्रेस को देखते हुए कहता है कि ये सारी स्ट्रेस कहाँ पे जाती है, इनका डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा दूर तक का है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शायद से ग्रेनेस डैन की जो माउंटेन है उनके टॉप पे आ चुका हूँ शायद। और फिर तभी वहाँ पे ज़ियू का जो पैट होता है वो जाग जाता है, ज़ियू से कहता है कि क्या तुम जाग गए, पर चलो अब कोई नहीं, अभी तुम यहाँ पे एकदम ध्यान से रहना क्योंकि अभी यहाँ पे ये जो जगह है उधर बहुत ज्यादा कम लाइट है और अगर तुम यहाँ पे गिर गए नीचे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं है, तो मैं कहाँ से देख पाऊंगा तुम्हें। और फिर तभी वो जो पैट होता है उसका हॉर्न चमकने लग चुका होता है, ज़ियू हैरानी से कहता है कि तुम्हारा जो हॉर्न है वो ग्लो भी कर सकता है, चलो ये तो अच्छी बात है। और फिर उसके बाद ज़ियू ज़रा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या यही वो जगह है जहाँ पे चैलेंज होने वाला है, और अगर यही वो जगह है जहाँ पे चैलेंज होने वाला है तो मेरा चैलेंज किसके साथ होने वाला है। और फिर उसके बाद ज़ियू अपने सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे जितनी भी जो जगह होती है उन्हें स्कैन करने लग चुका होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कितनी अजीब सी बात है, मैंने यहाँ पे अपनी डिटेक्शन स्किल यूज की पर फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा, बस मेरे आसपास बहुत ज्यादा फॉग हो गई है। पर फिर तभी ज़ियू के पैट ने कुछ चीज डिटेक्ट कर ली होती है, ज़ियू से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला है क्या। और फिर तभी वहाँ पे एक दरवाजा खुलता है और फिर तभी जमीन के अंदर से कुछ पिलर्स बाहर आने लग चुके होते हैं, ज़ियू उन पिलर्स को देखते हुए कहता है कि ये पिलर्स के ऊपर ये अजीब से मार्क्स के क्या निशान है। और फिर उसके बाद वो एकदम ध्यान से देखते हुए कहता है कि ये तो किसी ने स्वॉट चलाई हो ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और फिर तभी वहाँ पे कोई बंदा आता है उन पिलर्स के ऊपर जंप करते हुए, और फिर तभी वो बंदा जो पिलर के ऊपर से जंप करते हुए आ रहा था वो ज़ियू के ऊपर स्वॉट से अटैक कर देता है। ज़ियू उसे देखते हुए कहता है कि क्या अभी यहाँ पे जो गार्डियन था वही मेरे साथ चैलेंज करने वाला है, अब मैं इस चैलेंज को कैसे पास करूं क्योंकि मेरे सामने एक वॉर गॉड एक्सपर्ट है। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।